सर सीपीआई वाले ने आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा बोले हैं। सीपीआई वाले बोले हैं 682 पे पोस्ट रुका हुआ है। सीपीआई वाले बोले हैं कुछ पद उसमें रुका हुआ है, 682 रुका हुआ है सर, उसमें उन्होंने कुछ आदेश सही आपका सर, नाम काउंसलिंग नहीं हो रहा है, 11000 और है ना। जी 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 सर, तो सब आपसे आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं सर, सीधा बोले हैं सर 682 लिखित मांग रहे हैं सर, वो लिखित आदेश ज्ञापन निकाल डाले थे ना, लेकिन स्कूल खाली नहीं है बताए थे ई के डर में वैकेंसी, उसको टी के डर में पहले समायोजित करना पड़ेगा, उसके लिए हमको शासन से लिखित में आदेश चाहिए, उसके बाद ही उसमें आगे प्रक्रिया हो सकेगी, ये उन्होंने कहा है। उसी नाम से उसमें आज तक काउंसलिंग ही चालू है। अरे हो जाएगा ना, मेरे पास आ गया ना। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तुम यार कोविड वॉल पे चिंता मत करो, बहुत दिन हो गया सर, पूरा मानसिक रूप से ना बहुत परेशान है सर, उनकी जगह में हम लोग चाह रहे हैं बहुत लोग ज्वाइन नहीं किया, लोग को ई में करना टीम में करना आप जो भी खत्म कर दीजिए सर, ये कुछ बोलना था गाइस, आ रहा हूं सर, तो वहां के अधिकारी लोग का कहना है कि हम आपका आदेश सही है सर, बस और आप दीजिए सर, उसके बगैर नहीं आज ज्वाइन की है और सचिव उसके माध्यम से उसका निराकरण होकर सही रहे। हम मैंने ये भी बोला है कि जो नई नियुक्तियां हैं उसमें ये और इसी को खत्म करिए, मैंने ये भी बोला है, उसका वो रास्ता निकाल दें, क्योंकि उसमें जो प्रमोशन और ये सब है ना, ये और ठीक है। और आग्रह है सर, जैसे अभी काउंसलिंग तक किया हुई है उसमें कई अभ्यर्थी अपात्र हैं, अनुपस्थित हैं, नॉट ज्वाइनिंग है, उस पद को जितने भी पद ही हैं 100 सर्विसमैन हैं, उसको अभी आगामी काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रारंभ किया जाए। ये हम जितने पद की विज्ञापन निकला हुआ जी सर, उसमें जितने भी वेटिंग रूम है हम सबको भर लेंगे, अरे हम भर लेंगे ना।